हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू द चैनल प्रेटी प्लैनेट। और आज हम क्रिएट करेंगे ये वाला लुक जो कि है वर्क फ्रॉम होम मेकअप लुक, जो कि आप थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे ये वर्क फ्रॉम होम मेकअप लुक है। बट जैसे कि आप सभी को पता है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो मैक्सिमम लोगों का ऑफिस जो है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया है। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल मैं रखी हूँ वर्क फ्रॉम होम मेकअप लुक। बट आप अगर ऑफिस जा रहे हो डेली, तो भी आप ये वाला लुक क्रिएट करके आप ऑफिस जा सकते हो। तो फिर देर ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा बाल को बांध लेती हूँ, क्योंकि मेकअप करने में बहुत परेशानी होगी। हम पहले स्किन केयर से शुरू करते हैं। आप जब भी मेकअप कर रहे हो, उससे पहले आपका स्किन क्लीन होना चाहिए। मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ। आप किसी भी एक अच्छे माइल्ड फेस वॉश से अपना फेस पहले क्लीन कर दीजिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का विटामिन सी टोनर। मेकअप करने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना कभी मत भूलना। मैं अभी मॉइस्चराइजर में मैं ले रही हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। प्राइमर में मैं ले रही हूँ एनवाई बे का ब्राइटनिंग प्राइमर। प्राइमर हमें थोड़ा सा ही लगाना है, सिर्फ हाई पॉइंट्स को ही फोकस करना है। जैसे कि ये डेली वाला मेकअप लुक है, इसीलिए मैं इसमें फाउंडेशन यूज ना करके लक्मी का 9 to 5 सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ। एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेके हम इसको अच्छे से लगा देंगे अपने फेस पर। नेक पे लगाना कभी भी मत भूलना, वरना फेस और नेक डबल कलर दिखेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। और इसको ऐसे डैब कर। अभी मैं कंसीलर में मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसको हम यूज करेंगे हमारे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, जहाँ जहाँ पे भी फेस में स्पॉट वगैरह है उसको छुपाने के लिए, जहाँ पे पिगमेंटेशन हुआ है उसको छुपाने के लिए, और थोड़ा सा नोज पे भी यूज करेंगे नोज को हाईलाइट करने के लिए। इसको भी वही वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अब हम कॉन्टर करेंगे और कॉन्टर के लिए मैं यूज करूंगी ये किस ब्यूटी का ये कॉन्टर स्टिक। नोज को भी अच्छे से कॉन्टर कर लेंगे। फोरहेड को भी थोड़ा कर लेंगे, जॉ लाइन को, और इसको भी हम वही ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे।
अब हम ये पूरा का पूरा मेकअप बेस को फिक्स करेंगे ये लैक्मे का 9 to 5 कॉम्पैक्ट पाउडर से। आईब्रो के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ ये स्विस ब्यूटी का ये पाउडर आईब्रो, और इस एंगुलर ब्रश से हम अभी आईब्रो ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरा आईब्रो ड्रॉ हो चुका है। अब हम जो आई मेकअप करने वाले हैं वो बहुत लाइट आई मेकअप करेंगे, क्योंकि ये वर्क मेकअप लुक है तो ज़्यादा तामझाम तो नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आई मेकअप के लिए मैं एक ही कलर को यूज़ करूँगी और वो ये ब्राउन वाला कलर मैं इसमें यूज़ करूँगी। जस्ट थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है बट इसको ब्लेंड करने के बाद ये इतना नहीं दिखेगा। ये अभी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम लगाएंगे आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एलेटिन का ये वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर। चलिए इसको लगाते हैं। लगाएंगे मस्करा, और मस्करा के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ लैक्मे का आइकॉनिक मस्करा। बस हो गया, मुझे जहाँ पे लग रहा है क्योंकि ज़्यादा अगर हम ब्लश थोप देंगे तो ये ऑफिस वाला लुक जो है हमारा बहुत खराब हो जाएगा। इतना तक ही रखते हैं इसे। ओह यहाँ तो मेरा आईलाइनर खराब हो गया, बट मैं इसको सेट कर लूँगी। लुक एट माय चिक्स। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, हाथ से ही लगा देते हैं। अब हम यूज करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ ये मास्क का ये वाला मेट लिपस्टिक। और इसके साथ मेरा ये वाला लुक कंप्लीट होता है। तो फिर कैसा लगा ये वाला लुक? है ना बहुत ही आसान, कोई भी इसे ये लुक को क्रिएट कर सकता है। जो जो लोग मेकअप में बिगनर्स है उनके लिए ये बहुत ही आसान है। आप डेली इसको ये वाला लुक को क्रिएट करके आप ऑफिस जा सकते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम काम भी कर सकते हो। है ना बहुत आसान और सिंपल मेकअप। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नया नया वीडियो बनाने के लिए।
See you in my next video. Till then, bye.